जल्दी जल्दी इधर आओ मेरे पास। कांग्रेचुलेशंस। राजा ओए मंच को खा जा। यार चाचा चूचू तो मिल रहा भी नहीं। राजा बाहर तो नहीं छुप गया शायद। आप ढूंढो इसके नीचे तो नहीं है। देखना रिक्लाइनर के नीचे तो नहीं घुस गया। देख कितना ड्रामेबाज है वो खड़ा सुबांशु सामने। पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। राजा राजा इसके नीचे राजा 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 अब मेरी लाइन आप छुपो। राजा आ जाओ आ जाओ। भाई कहाँ गया राजा? राजा तो घर में नहीं है। गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी सोसाइटी के यहाँ पे इतनी सारी मधुमक्खियाँ आ चुकी हैं। ये आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे कितने दिख रही हैं। देखो इधर देखो इधर इधर जल्दी जल्दी इधर आओ मेरे पास आओ इधर आओ इधर इधर देखो ये देखो भाई ज्यादा नहीं है। देखो तुम ये बैठ के देख आगे हमारी इस विंडो पे। उधर का गेट बंद कर देगा अच्छे से। ये देखो ना मधुमक्खी है अभी देखो ये बैठी है बैठी। ये छत्ता वत्ता होगा शायद टूट गया वो फिर उस वजह से उसको धुआं कर रहे हैं। सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं मैं यहाँ से कपड़े और टांग डालेगी। मैडम मैडम तो मुझे लगा वो बालकनी बंद हो गए। मेरा हां जी मैं यहाँ कह रहे अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। बैठ कह रहा मुझे ऊपर आगे एक टुकड़ा सा दे दो टुकड़ा सा। आप बहुत अच्छे हो मेरे बेटे मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। और दू पसीने आ रहे हैं पसीने आ रहे हैं पसीने आ रहे हैं ज्यादा को ठंडी लग रही है। बोटू 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 पंखे चलाऊं? ओके मेरा बच्चा। राजा किसका प्यार करता है किसके साथ सोएगा? मम्मा शादी नहीं करेगा। हाँ डैडा नाराज हो गया आपसे। यार तुम सरप्राइज भी नहीं दे सकते यार शोरी है वो जिसे देना आपसे भी साले चार बार तो तुम फंस गए एक सरप्राइज में। यार मजो यार एक सरप्राइज देने में लगे थे तुम एक बार तो तुम अंदर फंस गए खुशी को काट देंगे अभी। तो जैसे कि आप लोग पता है हम लोग हो चुके हैं फेसबुक पे वेरीफाइड तो भाई और ही लेके आए केक लेकिन हम राजा के उठने का वेट करेंगे। मेरी तरफ से सब हुआ क्या? नहीं फसा दो तब फस नहीं रहे थे ये बताइए सच में। नहीं फसा रहे थे थोड़ी देर में। नहीं मैं भैया तो सिंपल कन्वर्सेशन कर रहे थे कपड़े लेने गए थे दुकान में मिले नहीं फिर बर्गर खा लिया घर आ गए। भाई यार तू बर्गर फिर लास्ट में फंस गया। बात नहीं कह रहे मुद्दे की बात मेरे साथ चतुराई कर रहे थे ये सेलिब्रेशन के लिए केक लाए हैं हमारा फेसबुक वेरीफाइड हो गया उसके लिए। बताया भाई इतनी जल्दी फंसने वाले नहीं हो तुम। भाई भाई बहुत धन्यवाद भाई 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 इसे फ्रिज में रख दो फिर कट करते हैं राजा के उठते। आप जाओगे डैडा के साथ? अच्छा बॉडी नहीं बनी? अच्छा बाबू अच्छा बनी हुई है तो जिम जाके और बढ़िया बनाएगा। तो जिम जा रहे हैं अभी तक मधुमक्खी का हमला है हमारी सोसाइटी में मतलब बाहर की अब एक मिली है बाहर की तरफ। देख दोनों लड़के ग्रीन ग्रीन इन दोनों की शादी हो चुकी है गाइस। हम लोगों ने बताया नहीं ये रिश्ता हमने छुपा के रखा है कुछ भी। सो गाइस फिलहाल हम लोग जिम के लिए निकल चुके हैं। आज खुशी जा रही है काफी दिन बाद जिम में। और जब हम लास्ट टाइम जिम गए थे ना तो पर्ल भैया ने बोला था कि यार जिस दिन राजा आएगा यहाँ पे मुझे मिलाने लेके आना मतलब राजा को लेके आना मेरे से मिलाने के लिए। तो आज हम लोग राजा को लेके जा रहे हैं। वो हम लोगों ने वैसे प्लान किया था कि माँ राजा और हम सब घर पे जाएंगे लेकिन अभी क्या है कि माँ है नहीं
तो हमने ऐसा था कि शाम को हम लोग जिम में मिलते हैं सब लोग, तो हमें ऐसा था कि आज भैया मिल लेंगे, लेकिन जब माँ आएगी फिर हम सब लोग जाएंगे। कोस जो पर भैया की मम्मी है वो भी बहुत स्वीट है भाई, तो मेरा उनसे दिल से मन है कि मैं उनसे मिलूं एक बार, उनसे बातें करूं। हम लोग चलते हैं जल्दी से, ये करते हैं नीचे। हेलो राजा, उधर प्रिंस पाजी को मिलेंगे, चलो। पाजी कहाँ है? पाजी रास्ते में पूरा पाजी 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 हुआ कहाँ है? हुआ ठीक रहेगी। और वैसे पाजी पाजी करते रहते हैं पूरा दिन। मोमोज खाओगे? यहाँ की मोमोज बहुत अच्छी होती है बेटा, मुझे बताया था प्रिंस पाजी ने कि यहाँ मोमोज खाओ, मोमोज बहुत अच्छे हैं यहाँ की। शोरे तू क्या खाएगा भाई? मोमोज। तू क्या खाएगा? पराठे। जा फिर उतर गया यहाँ से, टेम्पो पकड़ सीधा धरती माँ की मासी रबड़ा। दादा तो हम समोसे खिलाते थे। समोसे किसको? चाचा तू समोसे खाएगा? मैं ना जिम में वो लेके गई थी प्रोटीन, और आपने मेरे को मोमोज खिला दिए और प्रोटीन में पी नहीं पाई। तो बाबू ये मेरी गलती है सारी। राजा आपने मेरा क्या बनाया अभी अभी? उल्लू। मम्मी राजा को मैं गया था जिम भी कितनी ने, और जिम सबको पटा पटा कितनी चॉकलेट भी ली। राजा डैडा कहाँ लेंगे, अभी तक आई नहीं। एक तो मैं जिम से आने के बाद प्रोटीन पीना भूल गई, ऊपर से हमने खाना नहीं खाया था। मम्मा को बोला था आज सबकी तबीयत खराब है तो नमकीने चावल ही बना लो सिंपल से, और हम लोग दही नहीं खा सकते इसलिए मुझे बोल रहे थे चाय बना लेना। मैंने कॉल करा कितना टाइम लगा, बोले 5 मिनट, मैंने चाय बना दी है और अभी कुछ होता पता नहीं है, आई नहीं है। वैसे डैडा को एक बार और फोन लगाओ। हेलो डैडा, क्या बोला डैडा ने? ने बोला वो पता है भाई ने, आयुष ने क्या करा, हमें नीचे बुला रखा है। सुनो तो नीचे बुलाया हमें और कहता है लो कार्ड ले लो। मैं क्या तरीका है भाई? मैं वो तब से वेट कर रही है, आप लोग बोले थे 2 मिनट में आके। सॉरी बाबू मुझे माफ कर देना। आयुष भाई की शादी है 7 फेब को, सब लोगों को आना है आपको भी। सब लोगों को आना है, जितने वीके फैम देख रहे हैं। अब भोपाल आ रहे हैं हम लोग 7 फेब को। अच्छा बाबू रुक जाओ भाई, अभी मत बताना। अगर मान लो वहां जाने में 10 घंटे लगे तो आप जान रहे क्या भाई की शादी में? बता दो हाँ या ना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आपने नीचे छोड़ दिया था कल, आप आए थे ना कल घर पे, तो मैं अभी चल के ले। आज पर्ल भैया ने तुम्हें चॉकलेट दे दी। लाए थे? हाँ ये दादा मेरे लेता है। आज इसने मुझे खुशी को कम से कम 14 मिनट की स्टोरी सुनाई, समझ में मुझे कुछ नहीं आया लेकिन बहुत मस्त लगा बोलता हुआ। जब मैंने आपको बोला था डाडा को फोन करो, आपने फोन किया था तो डाडा ने क्या बोला? माफ कर देना मुझे, आपको माफ कर दिया मैंने। पता मुझे मुझे ना एक चीज बहुत अजीब लगती है, आप पता कैसे बात करते हो? एक तरीके से माफीनामा देते हो और अगली तरफ से माफ कर देना वरना मैं मार दूंगा आपको। मैं मुझे पता ही नहीं लगता आप प्यार से कह रहे हो। ओए वो देख क्या लिखा है वहाँ उसके बराबर में, अरे ऊपर देख, यो तो यो मैंने लगाया था। कैसे नहीं मैंने लगाया? अरे हमारे व्लॉग में गए,
बे तुम मेरी बात सुनो, दिखाइयो क्या आई है। हद तो मैं डर गया, मैं गया मूवी में भी वेक क्यों लिखा रहा है। अच्छा आप हमारे में भी आए कुछ टाइम करने से आए। अभी भाई आएंगे, देख दानव भाई आएंगे हमारे एकदम से। मैं डर गया था एकदम से, लगा और भाई ये कैमरा पर्सन है, तब डर गया था भाई, अब बाद में पता लगा मुझे। और जब मैं तुमसे पहली बार मिला मुझे लगा बादशाह भाई से मिल रहा हूँ आज मैं। बाबू अब मेरी बात सुनो, आयुष भाई हमने कल बिरयानी खिलाई थी, अब इन्हें क्या पता आज हम खिलवाते हैं, देखते खिचड़ी खिलवाते हैं भाई, खिचड़ी में देसी बिरयानी भाई बिल्कुल। भाई पहले सेफ साइड चले जाओ बाबू। ये तू क्या, तू देसी है क्या चाय पिएगा तू? बेटा पापा पियेंगे सिर्फ, डैडा पियेंगे चाय। बैठ जाओ फिर, दूर बैठे हो ना, इसका मतलब चाय नहीं पीनी आपको, है ना। ये तो देखो एक मिनट राजू, देखो बॉल गेम, उनके फोन में शॉर्ट्स चलते हैं, देखो ये कैसा लग रहा है आपको। ओ देख 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 इसका मुंह देख, कौन सा कलर पसंद है, एक मिनट जरा। बाबू बोलो कि नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए। आयुष भाई नहीं, आयुष भाई मेरी बात समझो, नहीं भाई नहीं 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 नहीं, इसके बर्थडे पे देना, इसका बर्थडे पे, इसके बर्थडे पे देख क्या कह रहा। बच्चा तो सीख रहा है यार ये। नो भैया ये वाला कलर, आपने नाचोस दिए थे ना भाई, अब देखो आप। बाबू नाचोस लाओ जरा, मेरे वाले नाचोस, देसी नाचोस। बाबू वो गाना चला दिया, नाच नाचो। अब तब दिखाऊंगा मैं तुमसे भी भाई, कुछ नहीं बनाना आता है, देखो आजा आजा दिल्ली छोड़े। आयुष भाई भाई ये देख रहे हो तुम, और लिया कहाँ से, होलसेल से 72 रुपए के हैं भाई, पूरे 72 होल वीट है। और चॉकलेट ले आती इसकी, अरे भाई तुम देने के ही नहीं मुझे पता। अरे आ जाओ अपनी मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ बस लेके आओ, और वो ऐसे ऐसे लोग हो गया अंकल तो होंगे ना वैसे, सो गए कोई नहीं, वो दरवाजा तोड़ देंगे। बिरयानी में वो बात हो ही नहीं सकती जो हम लोगों ने बिरयानी बनाई है, कम देख जो हमारी खिचड़ी में भाई, आप दिखाता हूँ ना। नहीं पहचान भाई, तुम लोग हंस रहे थे, मैं पीली कर देता था थोड़ी देर में, मैंने बहुत अपने दोस्तों को फुल्लू बनाया, देखो जहाँ से भी निकालो भाई आलू हर बार आएगा, कुछ भी कर लो भले ही। और नाचोस के नाम पे देखो टन, मुझे बाद में पता लगा खाकरा बोलते हैं, खाकरा है ना। थैंक यू सो मच यार मंच, थैंक यू सो मच श्रेया, दुकान बहुत अच्छी चल रही है आपकी, भगवान करे। थैंक यू सो मच चाचा चूचू, मैं चाहता हूँ आप दोनों की दुकान काफी अच्छी चले। कंग्रेचुलेशंस टू टिक के लिए, कंग्रेचुलेशंस गाइस फॉर मी, थैंक यू सो मच। खुशी मेरे साथ रह गया, आपने कितनी चीजों का स्वाद चख लिया ना कि यार आपको मैं वेरिफिकेशन का स्वाद चखा दिया मैंने आपको। थैंक यू सो मच, मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करता हूँ।